नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको एक सीख भी मिल सकती है। ठीक है, तो सीख क्या है मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए दोस्तों आफ्टर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद ओपन हो गए यूएई में, दुबई में। ठीक है, तो जब रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए तो लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू किया। तो जब शुरू किया तब मेरे भी कुछ फेवरेट्स रेस्टोरेंट थे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा दोस्तों। ठीक है, जैसे होता है ना, यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, बस उसी तरीके से मेरे कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट है हर चीज़ के लिए कि यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है। अब आप बोलोगे ये बात हमें बताने की क्या ज़रूरत है सर जी, तो ये बात ये बताने की ज़रूरत है कि जब मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ का खाना टेस्ट किया तो खाने में चेंज था। ठीक है, मैंने वो रेस्टोरेंट्स क्यों चूज़ किए थे तो उसके पीछे ये रीज़न था दोस्तों, क्योंकि वहाँ का खाना मुझे पसंद था। आपको भी शायद पता होगा, आप भी ऐसे करते होंगे कि यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, सेम वैसे ही। मगर जब मैं रेस्टोरेंट्स ओपन होने के बाद वहाँ पे गया हूँ तब मुझे ये बात थोड़ी फील हुई, यार खाने में वो टेस्ट नहीं रहा। तो मेरे दिमाग में खाते टाइम ही दूसरा क्वेश्चन आ गया, शायद शेफ चेंज हो गया है। ठीक है, शेफ चेंज होने के कारण खाने की टेस्ट अच्छी थी मगर बदल गई थी। जैसे होता ना, आपको पता होता है यहाँ पे, यार ये लास्ट टाइम जो चीज थी ना यहाँ पे ये नहीं मिल रही है अभी। ये मुझे 3-4 रेस्टोरेंट्स में ऐसा हुआ। ठीक है, सारे इंडियंस थे, इंडियन रेस्टोरेंट थे। तो ये बात बताने के पीछे मेरा मकसद ये है दोस्तों, देखिए शेफ चेंज हो गए मतलब क्या हो गया, शेफ चेंज हो गए मतलब जब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे तो उनको एक तो निकाला गया या वो शेफ लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, तो जब रेस्टोरेंट्स वापस खुल गए तो नए शेफ्स आ गए वहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ये बताने का मकसद क्या है इसके पीछे दोस्तों, इसके पीछे ये मकसद है कि दुबई कभी रुकता नहीं है। भले शेफ को निकाला गया है, शेफ यहाँ से चले गए हैं, तो भी वो जगह भरी जाती है मगर होटल कभी बंद नहीं होता है। उसी तरीके से ये पूरे यूएई के लिए दोस्तों लागू होता है। काफ़ी लोग शायद बोल रहे होंगे कि यार दुबई तो ख़त्म है, दुबई का मार्केट डाउन है, ये हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना उनको अच्छे तरीके से पता है दुबई कभी बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि दुबई जो चल रही है ना वो बाहर के लोगों की वजह से ही ज़्यादा चल रही है। ठीक है, लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो मालिक बन के बैठे हैं, नॉर्मल सी बात है, वो लोग मालिक है, उन लोगों को कुछ नहीं, वो लोग पैसा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलाना है बाहर के लोगों ने, जो भी बाहर के कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं वही। तो मेरा बताने का मकसद ये है दोस्तों कि दिमाग में कभी भी ये बात आपने लानी नहीं है कि दुबई कभी बंद होगी या दुबई से इंडियंस, काफ़ी पहले थोड़ा लॉकडाउन में ये चल रही थी इंडिया में बात कि इंडियंस को यहाँ से निकाला जाना है, इंडियंस यहाँ से, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इंडियंस यहाँ से यूएई से कभी भी बैन नहीं होंगे, क्योंकि इंडियंस की थोड़ी यहाँ पे रिप्यूटेशन जो है ना वो अदर नेशनलिटी से थोड़ी अच्छी है। काफ़ी सारी नेशनलिटीज़ यहाँ पे है जो बैन है। ठीक है, कौन कौन बैन है, क्यों है, इसके लिए मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मगर इंडियंस जो है यहाँ पे बहुत हार्डवर्किंग है, अच्छा काम करते हैं और उनकी रिप्यूटेशन एक अच्छी है, मतलब उनको ये समझा जाता है कि इंडियन है तो बंदा अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही बंदों को देखा जाता है। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था दोस्तों कि दुबई कभी बंद नहीं होनी है, जॉब्स यहाँ के कभी बंद नहीं होने, दिमाग में ये कभी नहीं लाओ कि यार मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। आप इंडिया से ट्राई कर रहे हो, इंडिया से ट्राई करो, यहाँ पे विजिट पे आ रहे हो, प्लान कर रहे हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में सिर्फ पॉजिटिविटी रखो, ठीक है, निगेटिव दोस्तों को दूर रखो, निगेटिव थिंकिंग दूर रखो,
और आज की ये स्टोरी बताने के पीछे का मकसद मेरा यही था कि एक शेफ चला गया तो वहाँ पे दूसरा आता ही आता है, उस वजह से होटल कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मैंने जो स्टोरी बताई थी ना, 3-4 होटल्स में ये हुआ था। चलो मैं तो 3-4 होटल में गया था, मगर आप सोचो हर फील्ड में ऐसा हुआ है, हर जगह पे ऐसा हुआ है। मैनेजर लोग चले गए होंगे, छोड़ दिया होगा, खुद डर के भाग गए होंगे, तो वहाँ पे वैकेंसीज भर रही है अभी। समझ में आ रही बात? तो ये बात दिमाग से निकालनी है, फुल कॉन्फिडेंस रखो। आपके अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको दुबई में जॉब मिलना ही मिलना है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं, कि यहाँ पे दुबई जॉब के लिए जब भी आप आते हो, जब इंडिया से ट्राई करते हो, तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पैसे मांग रहा है वीज़ा के लिए, तो उसको बोलो भाई रूल तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी पे करती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के, आप क्यों पैसे मांग रहे हो। इस तरीके से सीधी सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली बात करो आप उनसे। दूसरी बात भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, बस पैसे किसी को देने नहीं है। फ्रॉड आपके पास हो साथ हो सकता है, मैं पहले से ही आपको ये बोल रहा हूँ कि पैसे किसी को देने नहीं है दुबई जॉब के लिए, और किसी के बातों में नहीं आना है दोस्तों। यहाँ पे लोग ना क्या होता है पता है, मैं एक बात बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं। लोगों को क्या है, खुद कमाना है, खुद यहाँ पे आके बैठना है, और दूसरों को निगेटिव करने की एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, मैं मोटिवेट ही करता हूँ लोगों को कि भाई आप यहाँ पे आओ। और जो लोग मेरे थ्रू आते हैं या मुझे मैं गाइडेंस से आते हैं, तो मैं उनको भी यही सलाह देता हूँ, भाई जैसे मैंने आपको हेल्प की है उसी तरीके से आप सबको हेल्प करो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे जब जॉब मिलेगा मैं आधी सैलरी आपको दूंगा, एक सैलरी, मैं बोलता हूँ कोई ज़रूरत नहीं भाई, मैं पैसे के लिए नहीं करता भी है। ठीक है, मैं बस उनसे एक ही गुजारिश रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको हेल्प की है उस तरीके से आप लोगों को हेल्प करो। ठीक है, बस ये होता है। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो खुद कमाते हैं, खुद यहाँ पे 10-10 साल से बैठे हैं दुबई यूएई में, और वो लोग क्या करते हैं दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, यार कुछ नहीं है, ये नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस दिमाग में ये बात रखो दोस्तों, ये बंदा गया है, ये बंदा कमा रहा है, काफी टाइम से वहां पे है, तो ये दूसरों को, ये नॉर्मल मेंटेलिटी है, या शायद आपको भी पता होगा, जब भी कोई अच्छा सा कमाने जाता है कहीं पे, तो लोग दूसरों को इसी तरीके से करते हैं, बस किसी के बातों में नहीं आओ। ठीक है, अपना अपना एक अच्छा कॉन्फिडेंस अपने साथ रखो, निगेटिव थिंकिंग दिमाग में भी नहीं लानी है दोस्तों आपने। ठीक है, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अभी लंबा नहीं करता हूँ, बस यहाँ पे ही मैं रुकता हूँ, आगे इसी तरीके से मैं और वीडियो बनाऊंगा। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था, तो इस टाइम मैं पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके ही वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ड्राइविंग करते हुए नहीं बना रहा हूँ। इसी तरीके से मैं आपके साथ काफ़ी वीडियोज लेकर और भी आऊँगा दोस्तों। चलो मिलते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।